निमन जम्मारिन जय जोहार जय धर्मेश इंघाय नामे मनीषा लकड़ा और इंघाय चैनल द ट्रैवल गर्नो नीन होरमारिन स्वागत नंदन। आप सब में कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये कौन सा लैंग्वेज है और मैं किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। तो ये जो लैंग्वेज है ये है हम आदिवासियों में उरांव जाति का जो एक लैंग्वेज है वो है कुड़ुक। तो आज जो है ये एक रिक्वेस्ट वीडियो में मैं बना रही हूँ। काफ़ी लोगों का ये रिक्वेस्ट था, मेरे चैनल के काफ़ी सारे मेंबर्स सब्सक्राइबर्स उनका रिक्वेस्ट था कि मैं एक कुड़ुक ट्रांसलेट हिंदी टू कुड़ुक ट्रांसलेट एक वीडियो बनाऊँ, जबकि मैं पहले भी बना चुकी हूँ और मैं बनाती ही हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। तो सोचिए आज का जो ये वीडियो है ये रिलेटेड बनाऊँ ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए और आप लोग जो मुझसे डिमांड रखते हैं, जिस टाइप का वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं वो जब मुझसे आप लोग शेयर करते हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज का वीडियो यही लेके है, जबकि मैं पहले भी ऐसे वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आई बटन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के जो इस वीडियो में मैं कुछ वर्ड्स एंड सेंटेंस वर्ड्स में ली हूँ, पिक की हूँ और उसी वर्ड से सेंटेंस बनाई हूँ। तो वर्ड्स को जो है मैं कुड़ुक में ट्रांसलेट करूँगी हिंदी से कुड़ुक और सेंटेंस को भी जो है मैं हिंदी से कुड़ुक ट्रांसलेट करूँगी आज के इस वीडियो में। तो देर ना करके चलिए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है मच्छड़। मच्छड़ को जो है कुड़ुक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भुसड़ी बोलते हैं। हाँ, सुनने में बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है लेकिन हाँ, मच्छड़ को कुड़ुक में भुसड़ी बोलते हैं। अब सेंटेंस जो है वो ये है, तुम्हारे घर में बहुत मच्छर काट रहे हैं। तो इसे हम कुड़ुक में कैसे बोलेंगे? निम्हय इड़पानु मुरुख भुसड़ी खच्चाली। बाबा मैं ठीक बोली? हाँ ठीक बोली। निम्हय इड़पानु बहुत भुसड़ी खच्चाली। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ठंड। ठंड को जो है कुड़ुक में बोलते हैं पहिया। तो हाँ बिल्कुल सही सुने, पहिया बोलते हैं। ठंड को कुड़ुक में बोलते हैं पहिया। इस साल पिछले साल से ज्यादा ठंड है। तो इसको कुड़ुक में कैसे बोलेंगे? केरा साल ती ई साल बग्गे पहिया रई। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए, केरा साल ती ई साल बग्गे पहिया रई। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वर्ड वो है फूल। फूल मतलब फ्लावर, फूल। तो उसको जो है कुड़ुक में बोलते हैं पूप। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखे हैं वो मैं बताती हूँ। आपके घर में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। इसको मैं कैसे बोलूँगी कुड़ुक में? निम्हाय इड़पानु मुरुक दाव पूप पुइदकिरी। खिलना को बोलते हैं कुड़ुक में पुइदकिरी। ठीक है। दर्द, जो हमें दर्द होता है ना उसको हम कुड़ुक में बोलते हैं नुंजाली। ठीक है, तो दर्द को बोलते हैं नूंजाली। तो अब जो है मैं सेंटेंस लिखी हूँ, सेंटेंस कुछ इस तरह से है, कल रात से मेरा सर दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। ठीक है, तो इसको कुड़ुक में कैसे बोलेंगे? चेरो माखाती इंघय कुक्कू नूंजाली। चेरो मतलब कल, माखा मतलब रात, कुक्कू मतलब सर को बोलते हैं, सर नूंजाली मतलब कुक्कू नूंजाली। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है शादी। शादी को कुड़ुक में बोलते हैं बिंजा। क्या बोलते हैं? बिंजा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह है, सेंटेंस जो है वो है एक क्वेश्चन, तुम शादी कब करोगे? इसको कुड़ुक में कैसे बोलेंगे? इसको कुड़ुक में बोलेंगे नीन बिंजा। क्या बोलेंगे बाबा? नीन बिंजा, ओ नीन एकाउला बिंजरे। ठीक है, क्या होगा फिर? नीन एकाउला बिंजरे, तुम शादी कब करोगे या फिर करोगी? नीन एकाउला बिंजरे। मेहमान, मेहमान मतलब गेस्ट, गेस्ट मेहमान। इसे जो है बोलेंगे हम कुड़ुक में पाही। ठीक है, आपके घर में कहाँ से मेहमान आए हैं? ये एक क्वेश्चन है, आपके घर में कहाँ से मेहमान आए हैं? तो इसको जो है कुड़ुक में हम लोग बोलेंगे निम्हय गुत्ता इस्ता पैयर बरच कर नर। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा जो है प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे फिर से इसे रिपीट करेंगे। निम्हाय गुत्ता इस्ता पहियार, पहियार बरच कर नर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पैर। पैर को बोलते हैं खिड्डे। हमारे आदिवासियों में पैर धोना एक रस्म है, जबकि सच में ये एक रस्म है, जब भी कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उनका स्वागत पैर धो के या फिर सम्मान पैर धो के करते हैं। तो इसको हम कुड़ुक में कैसे हम किसी और को बोलेंगे? एम्हाय आदिवासीनु खेड्डे नोड़ना उन्टा रिवाज रई। ठीक है, एम्हाय आदिवासीनु खेड्डे नोड़ना उन्टा रिवाज रई। आई होप आप लोगों को समझने में सही लग रहा है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आंखें, आंखें। तो इसे क्या कहते हैं? आंखों को कहते हैं खन। तुम्हारी आंखें मुझे दीवाना करती है। तो इसे अगर आप कोई लड़की को बोलना चाहेंगे कि उसे इम्प्रेस करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं कुड़ुक में कुछ इस तरह, निंघय खन इंघय दीवाना ननी ची। ठीक है, निंघय खन इंघय दीवाना ननी ची। ओके, तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बाल। बाल मतलब हेयर। हेयर को हम कुड़ुक में क्या बोलेंगे? चुट्टी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन हाँ यही है, बोलते हैं चुट्टी। हेयर को क्या बोलते हैं? बाल को चुट्टी। जैसे कि आप लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आंखों के बारे अच्छा बोल दिए, इम्प्रेस कर दिए, अब जो है हेयर के बारे कुछ अच्छा बोलना है तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी बाल मुझे बहुत पसंद है। तो इसे हम कुड़ुक में कैसे बोलेंगे? निंग है चुट्टी इंग है अजम दाव लगी। तो लड़की को इम्प्रेस करना है, आंखों के बारे बोल दिया, अब जो है बाल के बारे भी बोल दो, वो बिल्कुल से बिल्कुल पट जाएगी। और एक जो वर्ड है वो है महक। महक मतलब सुगंध। तो उसको क्या बोलेंगे? वैसे गंध को बोलते हैं चाली। अब वो अच्छा चाली तो उसको हम लोग अच्छा को बोलेंगे दाव। तो दाव चाली। तो ये था वर्ड और सेंटेंस कुछ इस तरह है, ये गुलाब का फूल बहुत अच्छा महक रहा है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे कुड़ुक में? ई गुलाब ही मुरुख, या फिर अजम भी बोल सकते हैं, मुरुख दाव चाली चाली। ठीक है, तो मैं जो है कुछ 10 वर्ड्स और वही वर्ड्स से बनाए हुए सेंटेंस में कुड़ुक में ट्रांसलेट करके आप लोग के साथ में शेयर की। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन करके बताइए कि कितना हेल्पफुल रहा है, आप इसे 10 मार्क्स में कितना मार्क्स देना चाहेंगे, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, द ट्रैवल गर्ल में आप लोग नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, मैं अपना लिंक जो है आईडी लिंक शेयर कर चुकी हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा UPI आईडी जो है बैंक का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हूँ। आपकी मर्जी, आप जितना चाहे आप सपोर्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देना चाहते को भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर आप ज्वाइन बटन में क्लिक करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन क्लिक भी एनेबल हो चुका है। सब्सक्राइब बटन के साइड में ज्वाइन बटन है, उससे आप क्लिक करके आप मेरे चैनल मेंबर, स्पेशल मेंबर भी हो सकते हैं। तो फिर थैंक यू आज का पूरा ये वीडियो देखने के लिए। तो फिर आप सबको और एक बार जोहार, आप सबको बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। आप लोग से फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। वैसे मेरा 6K हाल ही में कंप्लीट हो गया, तो आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।